हेलो दोस्तों, ये है BS6 बोलेरो पिकअप। इसमें यहाँ पर एक बटन दिया जाता है जो कि रिजन बटन है। तो इसका क्या काम है काफ़ी लोग पूछने लगते हैं, और काफ़ी लोग जैसे ले लेते हैं BS तो सोचते हैं कि आखिर इस बटन का क्या काम है। तो जिन जिन को नहीं पता तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, इसमें पूरा मैं डिटेल में बताऊंगी कि आखिर इसका क्या काम है, कहाँ पर इसको यूज करना है, तो सब कुछ बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। यहीं के बगल में लगा रहता है लाइट लेवलिंग का कंट्रोल, जहाँ से आप लाइट लेवल कर सकते हैं। यहीं के पास लगा रहता है ये रिजन बटन, और इसका ऑप्शन यहाँ पर भी आपको इसका इंडिकेटर दिखाई देता है, जो कि जब चाबी ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है। देख रहे हैं ये वाला, तो यहाँ पर भी इसका दिखाई देता है जो कि इसका सिग्नल है। तो इसका क्या काम है इसमें वो दिखाते हैं आपको, जो कि BS6 में ये आने लगा है अलग से, पहले नहीं आता था BS4 में, तो जो कि BS6 में आता है। तो चलिए बताते हैं इसका क्या यूज है। दोस्तों, इसको फुल बोलते हैं, रीजनरेशन इसका फुल फॉर्म है, जो कि यहाँ पर रीजन लिखा हुआ है। इसका काम क्या है बेसिकली, इसका इंडिकेटर भी यहाँ पर आपको दिखाई देता है, मीटर में सिग्नल इसका दिखाई देता है। तो इसका काम है जैसे कि अगर आपका साइलेंसर की जाली जैसे चोक हो जाती है, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मतलब बिलिंग करने लगता है कि आपकी मतलब कि साइलेंसर चोक हो रहा है, तो तब इसका यूज होता है। अगर आप 60 की कंपनी बोलती है, अगर आप 60 की स्पीड से मतलब कम की स्पीड से चलाते हैं, तो लॉन्ग टाइम में आपका मतलब चोक होने लगता है, तो आप रीजनरेशन कर सकते हैं। या फिर अगर आपको रीजनरेशन नहीं करना है, तो आप 60 की ऊपर की स्पीड में चलाएंगे, लगातार 25 किलोमीटर चलाएंगे, तो आपका जो साइलेंसर है वो साफ हो जाता है। और हालांकि सब लोग भाई 60 के ऊपर ही चलाते हैं, तो इतना प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मान लीजिए कि अगर जैसे कोई कम की स्पीड में चलाता है या कम चलाता है गाड़ी, तो कैसे रीजनरेशन करना है, तो कंपनी बोलती है कि मान लीजिए कि आपकी मतलब जाली वगैरह चोक हो गई, साइलेंसर चोक हो गया है, यहाँ पर वो इंडिकेटर ब्लिंक करने लगा है, तो आपको क्या करना है कि आपको एक जगह गाड़ी खड़ी करनी है, ना कोई आपको गियर डालना है, बिल्कुल न्यूट्रल में करनी है। उसके बाद आपको 5 सेकंड तक इसको प्रेस करना है, आपको प्रेस करना है मतलब कि 5 सेकंड तक प्रेस करना है, और आपको छोड़ देनी है, बस आपको 25 मिनट तक छोड़ देनी है, आपकी रीजनरेशन हो जाएगी। ना ही आपको एक्सीलेटर दबाना है, ना ही आपको कुछ करना है, बस सिर्फ गाड़ी स्टार्ट करनी है, उसके बाद आपको 5 सेकंड तक इसको दबाए रखना है, उसके बाद छोड़ देना है। कम से कम 20 से 25 मिनट तक आपको ऐसे ही रखना है, तो आपकी जो जाली है वो साफ हो जाएगी, साइलेंसर वगैरह जो भी होगा मतलब उसमें जो जम जाता है ना, तो वो पूरा साफ हो जाएगा, पूरा क्लीन हो जाएगा। या फिर आप 60 की ऊपर की स्पीड में चलाएंगे तो भी साफ हो जाए, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इतना तो सब कोई चलाता है भाई, कि 70-80 तक तो सब कोई चलाते ही है, नॉर्मली चलाते हैं, तो इतना उसका इतना यूज नहीं है। बाकी आपको पता चल जाएगा कि अगर आपकी जाली का भी चोक होती है, साइलेंसर में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पर आपको सिग्नल मिल जाता है, जो कि कंपनी ने यहाँ पर ऐड कर दिया है, तो आपका एग्जॉस्ट पूरा साफ हो जाता है। तो कुछ ऐसे करना पड़ता है आपको, गाड़ी को एक अच्छी जगह खड़ी करनी है, और आपको स्टार्ट करनी हो 5 सेकंड तक इसको दबाना है, और बस छोड़ देना है। और फिर आपको ना ही बंद करना है, वो अपने आप ही पूरा क्लीन हो जाएगा, तो अपने आप ही ऑफ हो जाता है, आपको कुछ बंद नहीं करना है। तो यहाँ पर ये बटन मिलता है, दिखाते हैं आपको फिर से, ये अपना बटन, यहाँ पर आपको धुएं जैसा साइन भी दिख रहा होगा, और यहाँ पर आपको इसका साइन भी मिलता है, यहाँ पर आपको थोड़ा सही से दिखाया, ये वाला धुएं वाला। तो जब आपका चोक होता है तो ये बिलिंग करने लगा, जैसे अपना फ्यूल खत्म होता है या कुछ होता है, तो यहाँ पर जैसे कि इसका फ्यूल खत्म है तो स्टार्ट करेंगे तब भी ये बिलिंग करेगा, बाकी ये सारी लाइट गायब हो जाएंगी, तो ये सब बंद हो जाता है। तो जब मतलब कि एग्जॉस्ट में कुछ भी जमेगा तो ये बिलिंग करने लगेगा, तब आपको ये करना है। अगर होता है, अगर नहीं होता है, तो आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी, ना इसको कुछ मतलब कि इसको दबाना है। वैसे एक बार में ये ना मतलब कि ये चालू होता है, आपको 5 सेकंड तक इसको दबाए रखना है, तब ये चालू होता है। और जब भी आप रीजनरेशन करें तब आपको ना ही गियर में डालना है, ना ही आपको क्लच प्रेस करना है, कुछ भी नहीं करना है, पूरा अपना ये एक्टिवेट हो जाएगा, काम हो जाएगा। 20 से 25 मिनट तक आपको ये खड़ी करके रखे रहना है, तब आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा, तब आपको गाड़ी चलानी है। तो आपको पूरा समझ में आएगा क्या इसका यूज है, वही कैसे काम करता है। बस ये साइलेंसर के लिए है, और किसी काम का नहीं है, बस अपना ही लाइट लेवलिंग का कंट्रोल है। यहाँ पर आप कुछ भी लगवा सकते हैं, सर्च लाइट के भी यहाँ पर बटन लगवा सकते हैं, यानी बाकी कुछ भी काम नहीं है इसका।